आने वाले सालों में कुछ यूट्यूबर्स बिलियनेयर्स बन सकते हैं। Yes, you heard that right. क्योंकि जैसे कहा जाता है एक बिलियनर के 7 सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, वैसा ही कुछ पैटर्न हमें YouTube में भी नजर आता है। अब हालांकि ये 7 सोर्सेज ऑफ इनकम जो होते हैं वो है गूगल एड्स, स्पॉन्सर डील्स, मर्चेंडाइजिंग, ज्वाइन बटन, पेट्रियन, इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनली देयर ओन बिजनेस। इसमें से मोस्ट ऑफ दी सोर्सेज ऑफ इनकम इतना बड़ा नहीं होता कि वो आपको सीधा बिलियनर बना दे, बट ये सोर्सेज ऑफ इनकम एक यूट्यूबर को स्टार्टिंग में सीडिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और बिजनेस को ग्रो करने के लिए कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ कैपिटल देते हैं। और यूट्यूबर्स के पास एक बहुत ही बड़ा डिसाइसिव एडवांटेज होता है जो दूसरे बिजनेस ओनर्स के पास स्टार्टिंग में नहीं होता है, वो होता है मैसिव रीच। और इसीलिए तो बहुत सारे यूट्यूबर्स यूट्यूब करते करते साइड में अपना बिजनेस खोल देते हैं। इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूंगा तो वो है आपका वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूबर जिमी डोनाल्डसन, एके मिस्टर बीस्ट। साल 2020 में उसने मिस्टर बीस्ट बर्गर नाम का एक बर्गर का चेन लॉन्च किया। और अब यहां पर बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि पहली रात में कितने फ्रेंचाइजीज उसने खोले। वेल, 300 फ्रेंचाइजीज, जितने फ्रेंचाइजीज को खोलने के लिए मैकडॉनल्ड्स जैसी बड़ी कंपनी को शुरुआती स्टेज में 6 साल लग गए थे। एंड नाउ जस्ट इमेजिन, मिस्टर बीस्ट ने यह एक रात में कर दिया। और आज लगभग 2 साल के बाद मिस्टर बीस्ट के पास 1000 प्लस फ्रेंचाइजीज है। वेल, आप लोग के दिमाग में यह आ रहा होगा कि यह सब आखिर हुआ कैसे। सो मिस्टर बीस्ट ने एक बहुत ही स्मार्ट प्ले खेला। उसने अपने इस बिजनेस को सेट करने के लिए वर्चुअल डाइनिंग कॉन्सेप्ट यानी कि VDC का इस्तेमाल किया। सिंपल भाषा में समझाओ तो वो रेस्टोरेंट्स और किचन्स जो मेजरली फूड डिलीवरी पर फोकस करते हैं और रेस्टोरेंट क्वालिटी फूड आपको कहीं भी कभी भी प्रोवाइड कर सकता है। रॉबर्ट अर्ल जो काफी सारे VDC के फ्रेंचाइजी ओनर है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और किचन्स के पास हर रोज उतना स्पेयर टाइम होता है जिसमें वो कुछ बना के आराम से उसे सेल या सर्व कर सकते हैं। अब उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो होती है पर वो उसे सेल नहीं कर पाते क्योंकि मे बी उनका मार्केटिंग वीक है। तो फिर क्यों ना ऐसा यहां पर किया जाए कि हम उस स्पेयर टाइम की फ्रेंचाइजी किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को दे दे, जिससे इन्फ्लुएंसर का प्रोडक्ट भी बिक जाएगा और रेस्टोरेंट या किचन थोड़ा अर्न भी एक्स्ट्रा कर लेगा। और बस यही स्ट्रेटेजी यूज की है मिस्टर बीस्ट ने भी। देखो, मिस्टर बीस्ट ने सबसे पहले तो किसी एक VDC ओनर के पास से उन रेस्टोरेंट्स के नाम खरीदे जिनके पास काफी सारा स्पेयर टाइम होता था और फिर उसने उन किचन्स को अपने बर्गर की रेसिपी दे दी। एंड फाइनली उसने अपने मास ऑडियंस के सामने ये अनाउंस कर दिया कि उसने खुद के बर्गर के ब्रांड को लॉन्च किया है और बर्गर खाना शुरू करो। और बस फिर उसके बाद क्या है, जितने लोग भी उन रेस्टोरेंट से उन बर्गर्स को खरीदते हैं उस रेवेन्यू में से एक छोटा सा हिस्सा VDC ओनर को जाता है, एक हिस्सा मिस्टर बीस्ट को जाता है और एक अच्छा खासा हिस्सा उस रेस्टोरेंट ओनर को जाता है। सो अगर हम मोटा मोटा कैलकुलेशन करें तो आज मिस्टर बीस्ट के पास टोटल 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। उसमें से हम मान लेते हैं कि हर महीने सिर्फ 1% लोग यानी कि 1 मिलियन लोग उसके बर्गर्स खाते हैं। और अब उसके एक बेसिक बर्गर का कॉस्ट है कुछ $8, मतलब कैलकुलेशंस के हिसाब से एक महीने का $8 मिलियन यानी लगभग 63.5 करोड़ रुपीस सिर्फ बर्गर्स बेचकर। अब इसमें से अगर हम ये मान के चलते हैं कि मिस्टर बीस्ट को इस रेवेन्यू में से सिर्फ 25% शेयर ही मिलता है तो भी उसका रेवेन्यू सिर्फ बर्गर से 15 करोड़ रुपए होगा। अब माइंड यू, यहां पर मैंने इस कैलकुलेशन में उसकी ऑडियंस का सिर्फ 1% ही कंसिडर किया है। अगर उससे ज्यादा लोग खाएंगे या फिर ज्यादा वर्थ का खाएंगे तो यह आंकड़ा और भी बढ़ जाता है। अब यहां पर एक और एक चीज होती है कि वो अपनी रेसिपी जब किसी रेस्टोरेंट को देता है तो उससे लाइसेंसिंग फीस लेता है ताकि वो रेस्टोरेंट लीगली उसके नाम से बर्गर्स बेच सके। सो वहां से भी एक चंक ऑफ इनकम आता है। और इसके अलावा कौन भूल सकता है यूट्यूब के एड्स का इनकम, स्पॉन्सर्स का इनकम। तो सब रेवेन्यू ऐड कर लो और आप खुद समझने की कोशिश करो कि ऐसा बिजनेस पोटेंशियली कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। इस बिजनेस का वैल्यूएशन डेफिनेटली $1 बिलियन क्रॉस कर सकता है। लेकिन जो बिजनेस मिस्टर बीस्ट ने सोचा है उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स ही नहीं बल्कि एक बिजनेस के पीछे रहने वाले इमोशंस को भी उसने समझा। नाउ यू मे बी वंडरिंग कि ये बिजनेस इमोशन क्या होता है भाई। वेल, सिंपल शब्दों में समझाऊं तो पैसे कमाने हो तो आपको अर्निंग सोर्सेस जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एग्जिस्टिंग अर्नड मनी के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हो और उसे अपने बिजनेस के ग्रोथ में कैसे रीइन्वेस्ट करते हो। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको बड़े रिस्क भी लेने पड़ते हैं। अब रिस्क के मामले में
अगर मिस्टर बीस्ट के बिग बजट वीडियोस की बात करें तो वो हमेशा अपने प्रीवियस एड रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप्स एटसेट्रा सोर्सेस से अर्नड प्रॉफिट अपने नेक्स्ट वीडियो में रीइन्वेस्ट करता है ताकि उसकी ऑडियंस उसके साथ कनेक्टेड रह सके और उन्हें हर बार कुछ पहले से बेहतर मिल सके। और इसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पर या इसी रिस्क लेने की कैपेसिटी के बेसिस पर वो ऑडियंस को बहुत अच्छे तरीके से बना के रख पा रहा है। मतलब सिंपल शब्दों में कहूं तो ही हैज अ ग्रेट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और मनी मैनेजमेंट और री इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उसकी बहुत ही सही है। बट मिस्टर बीस्ट इज नॉट द ओनली वन। चलो हम एक समय के सबसे बड़े यूट्यूबर प्यूडीपाई की जरा बात करते हैं। ये वो सारे सोर्सेस है जहां से प्यूडीपाई अपना रेवेन्यू अर्न करता है। सूकी उसका खुद का अपैरल ब्रांड है, उसके खुद के गेम्स है, उसके कलेक्शन फिगर्स, बुक्स और एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। अब मिस्टर बीस्ट के जैसे अगर फिर से मैं इसके सिर्फ 1% ऑडियंस को ही कंसिडर करूं जो मंथ में एक बार क्लोदिंग ब्रांड सूकी से कुछ बाय करते होंगे, तो कैलकुलेशन वाइज प्यूडीपाई के एक बेसिक टी शर्ट का कॉस्ट है $28, मतलब $28 इंटू 1 मिलियन ऑडियंस जो है 222 करोड़ रुपीज। अब ऑब्वियसली इसमें से कुछ ऑपरेशनल खर्चा होगा लेकिन एटलीस्ट 50% प्रॉफिट तो आराम से मैनेज कर लेगा। Still, $100 million का पोटेंशियल प्रॉफिट हो सकता है। और सिमिलरली ही अगर मैं इनके गेम्स में होने वाले माइक्रो ट्रांजैक्शंस और इनके कलेक्टेबल फिगर्स से जनरेट होने वाले रेवेन्यू को कैलकुलेट करूं तो वो लगभग 476 करोड़ रुपीज है। आई नो सबसे लोएस्ट वैल्यू कंसिडर करने के बाद भी मंथली रेवेन्यू बहुत बड़ा आ रहा है। सो यहां पर भी अगर हम ये पकड़ लेते हैं कि 50% ही सिर्फ प्रॉफिट होता होगा तो वो भी हो जाएगा 238 करोड़ रुपीज। अब फ्रेंड्स हो सकता है कि ये सारे फिगर्स वो नहीं भी कमा रहे हो लेकिन 1% सेल करना तो इतना हार्ड नहीं होता। सो एटलीस्ट ये कैलकुलेशंस उन यूट्यूबर्स की पोटेंशियल तो दर्शाते हैं। बिकॉज सीधी सी बात है, आपके पास पोटेंशियल हो सकता है बट आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करना है तो आप एफर्ट्स नहीं लोगे उतना। लेकिन अब आप बोलोगे कि यार गौरव ये तो तुम इक्के दुक्के केसेस की बात कर रहे हो, तो तुम क्यों यूट्यूबर्स को एज अ होल पकड़ रहे हो? जस्ट बिकॉज कुछ यूट्यूबर्स बिजनेस में सक्सेसफुल हुए दैट डजंट मीन कि सारे यूट्यूबर्स इन जनरल बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। वेल यू आर राइट ओवर हियर, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे दूसरे स्किल्स और हेडेक्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि हर कोई ना तो करना चाहता है और कुछ लोग तो कर नहीं पाते। बट अगर आप देखोगे ना तो एक यूट्यूबर को बिजनेस में बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है क्योंकि यूट्यूबर खुद एक बिजनेसमैन है। आस्क मी व्हाई। वेल इफ यू लुक क्लोजली तो दुनिया के टॉप बिजनेसेस को मेजरली 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग, यानी ऐसा वे जिससे इनिशियल क्राउड आ सकता है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, एंड ऑफ कोर्स यूट्यूबर के पास तो इसकी कमी नहीं होती। दूसरा पैसा, जिससे आप अपना बिजनेस किक स्टार्ट कर सकते हो, एंड एक्चुअली यूट्यूबर के पास इसकी भी कमी नहीं होती है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था 7 सोर्सेज ऑफ इनकम, मतलब ऑलरेडी फंड्स का एक अच्छा खासा कॉर्पस एक यूट्यूबर के पास होना लाइकली है। अब हम आते हैं मेरे ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट पर कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि हाँ कुछ सोर्सेस में से इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता जैसे यूट्यूब एड्स। वेल लेकिन वो स्टार्ट के लिए काफी डिसेंट होता है। सो अगर आप आरपीएम फिगर्स देखोगे, यानी कि रेवेन्यू पर माइल जो होता है कि एक यूट्यूबर ने कितना कमाया पर 1000 व्यूज, तो हर कंट्री के करंट इकोनॉमी, वहां की ऑडियंस और ब्रांड्स की स्पेंडिंग कैपेसिटी पर वो डिपेंड करता है और वो काफी वेरिएबल होता है कंट्री टू कंट्री। सो हियर इज अ चार्ट ऑफ करंट आरपीएम फॉर एवरी कंट्री। आप देख सकते हो इंडिया का काफी लो है, एंड दैट्स व्हाई यू गेट मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स कंप्लेनिंग कि यूट्यूब अच्छे पैसे नहीं देता as compared to YouTubers in other countries. But कोई बात नहीं, YouTubers also have brands, जिसको discuss करने से पहले मैं एक disclaimer देना चाहूंगा। अभी जो rates मैं आपके साथ share करूंगा, वो आपको कोई भी website में कहीं भी of course नहीं दिखेंगे। But क्योंकि हमारी खुद की influencer marketing company है, we know the rates. So ये है वो table of subscribers against average rate जो brands willing होते हैं इन YouTubers को pay करने के लिए per promotion. Range start होता है from as low as 10,000 से end होता है as high as 50 से 60 lakhs per promotion. But if this income is also not enough, there is also an option of crowdfunding, जैसे Patreon. अब ये बेशक इंडिया में उतना कॉमन नहीं है लेकिन फॉरेन में ये काफी extensively यूज होता है, जिसमें basically audience अपने favorite creators का कुछ exclusive content देखने के लिए उनको monthly एक certain amount जैसे 200 या 500 rupees से fund करती है. Now this amount looks small, लेकिन on a mass scale this becomes huge. चलो लेट्स सी हाउ। इमेजिन करो एक यूट्यूबर के 30K सब्सक्राइबर्स हैं। उसमें से समझ लो एटलीस्ट 50% आर विलिंग टू नो मोर अबाउट द क्रिएटर। सो क्रिएटर के पेट्रियन पेज पर ट्रैफिक आएगा 4500 का। उसमें से मान लेते हैं पेट्रियन के डील्स पढ़ के सिर्फ 5% ही एक्चुअली कन्वर्ट होते हैं इनटू मेंबर्स, और समझो मेंबरशिप का कॉस्ट है $7 पर मंथ। अब क्रिएटर का पर मंथ प्रॉफिट हो जाएगा सीधा $1575, यानी लगभग 1,20,000 रुपए। इनफैक्ट पेट्रियन नहीं तो खुद YouTube में भी ज्वाइन का ऑप्शन आपको दिखता होगा, जो कि चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन होता है।
अब कुछ यूट्यूबर्स इसे एनेबल करते हैं, कुछ एनेबल नहीं करते, जैसे हमने अब तक नहीं किया है। बट यहाँ पर भी वही सेम पेट्रियन जैसा सिस्टम हो सकता है, जिसमें अर्न किए हुए रेवेन्यू का 70% इनकम यूट्यूबर के पास जाता है। अब इसमें जोड़ दो मर्चेंडाइजिंग का इनकम। कई यूट्यूबर्स अपने खुद के मर्चेंडाइजेस लॉन्च करते हैं, सबसे फेमस एग्जांपल भुवन बाम का यूथियापा। अब ऑफ कोर्स इससे हर यूट्यूबर कितना अर्न करता है इसका एग्जैक्ट फिगर निकालना मुश्किल है, लेकिन यूथियापा का एक टी शर्ट ऑन एन एवरेज अराउंड 500 है। अब इसके अलावा फाइनल सिक्स्थ ऑप्शन इज ऑफ कोर्स लाइक इन एनी अदर फील्ड इन्वेस्टमेंट। यूट्यूबर्स भी तो चाहेंगे कि उसका पैसा उसको और पैसे बना के दे। सो ऑल इन ऑल एक यूट्यूबर इजीली अपने स्टार्टअप बिजनेस के लिए फंड्स जनरेट कर सकता है, बट प्रोवाइडेड दे हैव अ ग्रेट बिजनेस एक्यूमेन एंड ग्रेट स्ट्रीट स्मार्टनेस स्किल्स, जो हर एक टू बी बिजनेसमैन यूट्यूबर को आना ही होगा। बट अगेन इट्स अ स्किल, एंड इवन इफ इट्स नॉट, आप एनी डे किसी एक स्मार्ट माइंड के साथ पार्टनरशिप में अपना बिजनेस खोल सकते हो। और खोल सकते हो क्या, लोग खोल रहे हैं, और वो भी कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। सो एग्जाम्पल के लिए आप वन ऑफ द बिगेस्ट अमेरिकन ब्लॉगर्स केसी नाइस्टैट को तो जानते ही होंगे। उन्होंने 2014 में एक शॉर्ट वीडियो और फोटो शेयरिंग ऐप बीम बनाया था, जिसे 2016 में CNN ने पूरे $25 million में खरीद लिया। फेमस साइड शो के हैंक और जॉन ग्रीन ने 2010 में विडकॉन नाम की एक कंपनी खोली, जो बेसिकली फैंस, क्रिएटर्स और ब्रांड्स के लिए सॉर्ट ऑफ अ मीट एंड ग्रीट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता था। इनका यह आइडिया काफी फेमस हुआ और फाइनली इस कंपनी को भी 2018 में पैरामाउंट ने एक्वायर कर लिया। इसके अलावा हाउ कैन वी फॉरगेट ब्लॉगी लेट्स बाय कैसी हो। बेसिकली ये है एक अमेरिकन फिटनेस यूट्यूबर जिन्होंने अपना खुद का एक वेबसाइट भी खोल लिया, जहां उनके सब्सक्राइबर्स स्पोर्ट्स अपैरल्स, एक्सेसरीज, वर्कआउट रूटीन और डाइट प्लान्स खरीद सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, जैसे कि लिली सिंह की प्रोडक्शन कंपनी यूनिकॉर्न आइलैंड प्रोडक्शंस, समांथा मारिया का क्लोथिंग ब्रांड ब्यूटी क्रश, शे बटलर का मेकर स्टूडियोज, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब वो जीनियस आर्टिस्ट है जिन्होंने अपनी क्रिएटिव एनर्जी के साथ अपना एंटरप्रेन्योरियल माइंड यूज किया और बूम, एक पोटेंशियल $1 billion बिजनेस खड़ा कर दिया। एंड ये हम सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज लाइक USA, UK की बात नहीं कर रहे। आपने कई बार ये देखा होगा कि जो भी वेव पहले डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, अक्सर उसके कुछ समय बाद वो वेव इंडिया में भी आता है। एंड इस बार तो वो वेव ऑलरेडी आ चुका है। हमारे देश में भी यूट्यूबर्स आर मोर देन जस्ट कंटेंट क्रिएटर्स। जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था, भुवन बाम की खुद की प्रोडक्शन कंपनी है, रणवीर अलाबादिया की मार्केटिंग कंपनी, एंड हाउ कैन वी फॉरगेट अलक पांडे सर, जिनका $1 billion का यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। सो बॉस, इंडियन यूट्यूबर्स में भी एंटरप्रेन्योरियल वेव तो आ ही चुका है, एक ऐसा वेव जिसमें यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स पोटेंशियली मल्टीनेशनल कंपनीज खोल सकते हैं, जो इस गेम के जमे हुए खिलाड़ी है, जैसे कि रिलायंस, टाटा वगैरह, वो भी 2x स्पीड में या शायद उससे भी ज्यादा। मतलब मिस्टर बीस्ट बर्गर एक बर्गर्स की दुनिया का फ्रेशर रातों रात 300 फ्रेंचाइजीज खोल सकता है, जहां तक पहुंचने के लिए मैकडॉनल्ड्स को पूरे 6 साल लग गए थे। एंड माइंड यू, उनका सिस्टम भी डेवलप था पहले से ही। सो ये क्लियर है कि यूट्यूबर्स कैन वेरी वेल पोटेंशियली बी नेक्स्ट बिलियनेयर्स। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!